फ्रेंड्स कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माजी मोटो ब्लॉग। आगे हम एक और नए वीडियो के साथ, और आज दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या है। ये है अपाची 164B BS4 का वाइजर, इसको मैं आज इंस्टॉल करने जा रहा हूँ अपाची 164B स्पेशल एडिशन में। और ये मैंने परचेज किया है ऑनलाइन से। आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो TVS के ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसका जो प्राइस मुझे पड़ा वो है 250 टोटल डिलीवरी चार्जेस के साथ था। तो इसको मैं करने जा रहा हूँ इंस्टॉल। इसके साथ मुझे क्या क्या मिला है वो भी मैं आप लोगों को डिटेल में दिखाऊंगा, और कैसे इसको इंस्टॉल करता हूँ स्टेप बाय स्टेप वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और क्या क्या प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ रहा है इसको इंस्टॉल करने के दौरान वो भी आप देख पाओगे, और इसको इंस्टॉल करने के बाद बाइक में लुक कैसा आता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है ये वाइजर। TVS का एकदम ओरिजिनल प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो TVS मोटर का जो लोगो है यहाँ पे है, और इसके साथ मुझे क्या क्या मिला मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे दो बूसेस दिया जाता है। ये जो बूसेस है ये BS4 में काम आता है। BS4 में मीटर की तरफ से दो क्लैम्स की जगह निकलता है, वहाँ पे ये फिट करना पड़ता था, लेकिन ये मुझे काम नहीं आने वाला है। और यहाँ पे इसमें तीन रबर बूसेस, इस तरह का रबर बूसेस दिया जाता है तीन, और ये कुछ नट्स वगैरह दिया जाता है। बस यही सब कुछ दिया जाता है। तो चलिए अभी बाइक में वाइजर को फिट करते हैं। तो देखिए ये जो वाइजर है अभी मैं इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। और एक्चुअली ये जो वाइजर है ये BS4 का है, और वहाँ पे जो है यहाँ पे यहाँ से दो क्लैम निकलता था, क्लैम निकलने के लिए जगह दिया जाता था मीटर पे, लेकिन ये BS6 बाइक है इसलिए इसमें वो क्लैम का ऑप्शन नहीं है। साइड से जो क्लैम निकलता है उसके साथ ये फिट हो जाता था। यहाँ पे देखिए ये वाइजर का जो यहाँ पे होल है यहाँ से स्क्रूज वगैरह साइड में लग के ये फिट हो जाता था, लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो आप सामने देख रहे हो नंबर प्लेट के लिए जो जगह दिया गया है वहीं पे मैं इसको फिट करने वाला हूँ। और इसके लिए मुझे वाइजर के ऊपर दो छोटे छोटे होल करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके ऊपर नंबर प्लेट भी लगाना है, तो मेरा जो स्टॉक स्क्रूज है उससे अगर फिट हो जाता तो सही है, लेकिन अगर नहीं होता तो दो बड़े स्क्रू का यूज़ करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि नंबर प्लेट भी मुझे इसके साथ लगाना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे दो नाप लेके मैं होल बना लेता हूँ, और वाइजर जो है उसको मैं अगर ज़्यादा नीचे कर देता हूँ तो वो सही नहीं होगा, और ज़्यादा ऊपर करूँगा, थोड़ा ऊपर करने की कोशिश करूँगा तो वो फिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है फ्लैट सरफेस मुझे नहीं मिलेगा। अगर मैं ज़्यादा ऊपर कर देता हूँ तो यहाँ पे ये कॉर्नर पड़ जाता है, तो इसके वजह से स्क्रूज फिट नहीं होंगे। तो प्रॉपर पोजीशन, ये जो पोजीशन है आप देख रहे हो ये प्रॉपर पोजीशन है, एकदम से स्क्रूज भी फिट हो जाएंगे और यहाँ से लुक जो है वो भी बढ़िया आने वाला। तो चलिए फटाफट से होल करके इसको फिट कर दें। तो वाइजर में होल करने के लिए मुझे पहले तो मैं निशान लगा दिया है, यहाँ पर देख सकते हो दो निशान लगा दिया है, और ये जो आपको एक स्क्रू ड्राइवर दिया जाता है बाइक के साथ ही मिलता है, उससे आप यहाँ पे होल कर सकते हो, गरम करके इसको आग में गरम करके इससे होल कर सकते हो। You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of. तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने वाइजर पे दोनों होल बना लिए हैं, अभी इसको फिट करते हैं। इसलिए मैं बड़ा वाला पैचेस लेकर आया हूँ जो आपको ऑटोमोबाइल्स के दुकान में मिल जाएगा, तो इसको मैं लगाऊंगा। तो चलिए लगा लेते हैं। सो मुझे इस वाइजर के साथ जो ये रबर बूसेस मिला है उसको भी मैं यूज करने वाला हूँ, ताकि बाइक जब चले तो अभी यहाँ पे अच्छी तरह से फिटिंग हो, बाइक जब चले तब कोई नॉइज वगैरह नहीं आए, कोई रेटल जैसा साउंड वगैरह नहीं आए, इसी वजह से मैं इस रबर बूसेस को यूज करने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर प्लेट में मैं ये स्क्रूज
लगा देता हूँ। उसके बाद ये जो एक रबर बुश यहाँ पे दे देता हूँ और एक रबर बुश यहाँ पे लगा देता हूँ। On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. तो ये देखिए कुछ इस तरह का लुक जो है बाइक में आ रहा है, एकदम प्रॉपर फिटिंग है, सामने से कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो हे दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।